स्टूडेंट, योर टॉपिक इज लेम्मा एंड एल्गोरिथम। जो आपके यहाँ चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में, रियल नंबर में जो आपको एक भयानक सा लगता है वो आपका है लेम्मा एंड एल्गोरिथम। ये देखने में बहुत ही भयानक लगता है, होता है क्या है एल्गोरिथम, क्या है लेम्मा। तो इन दोनों में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान जाते हैं। लेम्मा क्या है स्टूडेंट्स? लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। जो लेम्मा है, लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेम्मा जो है एक प्रकार का प्रूवन स्टेटमेंट है, फॉर प्रूफ, जिसका हम लोग यूज करते हैं। प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। ये बहुत ही सिंपल से बात है। लेम्मा क्या होता है? एक प्रकार का आपका प्रूवन स्टेटमेंट होगा और उसका यूज करके हम एक न्यू स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ये होता है लेम्मा। एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके प्रयोग से हम प्रूव करते हैं नए स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो होता है लेम्मा। एक्चुअली इसका अभी हम पूरा बताएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? ये आपका एक प्रकार का एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड well-defined steps which help to solve a problem। स्टूडेंट ये सिंपल है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रकार का सीरीज होगा वेल डिफाइंड स्टेप्स का, व्हिच हेल्प टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब एल्गोरिथम को जानते हैं क्या चीज है। देखिए, यहीं से हम लोग ये लेम्मा भी अभी जान जाएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार का वेल डिफाइंड सीरीज होगा, दैट हमको ये पहले से पता होगा कि हमको करना क्या है, दैट स्टेप्स हमको पता होंगे, और उसी स्टेप्स को यूज करके जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे उसी को हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे आपको चाय बनाना है तो आपको पता है कि आपको पानी लेना है, इसमें इस मात्रा में चीनी डालना है, ये चाय की पत्ती डालना है, उसके बाद आपको गर्म करना है, तो अदरक वगैरह, ये स्टेप्स। दैट जब आपको स्टेप्स पता होंगे और आप उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे उसी को हम लोग बोल लेते हैं एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए आपको 28 को डिवाइड करना है, 28 डिवाइडेड बाई 9, आपको स्टेप पता है। अब आप स्टेप स्टार्ट करते हैं, 9 से आप 28 को डिवाइड करते हैं, 9 से आप 28 को डिवाइड करेंगे, और जब 9 से आप 28 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 का 27 1, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहीं पर आपको समझना है। एक्चुअली अब हम लोग जब यहां पे राइट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है क्या? देखिए, ये एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही ये दूसरा नाम है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या? ये तो है, जब हम लोग 28 को 9 से डिवाइड कर दिया, ये है। तो इसको एक नए सीरीज में राइट करना। अब देखिए, यहाँ पे इन सभी का एक नेम होता है। नेम क्या होता है? इसका नेम क्या है? इसका नेम है डिवीजन, ठीक है। इसका नेम क्या? डिविडेंड है, या डिविडेंड बोल दीजिए। ये क्या? कोसेंट है। एंड ये क्या है? रिमाइंडर है आपका, ओके। तो इसको आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा है। 7th 8th में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक्चुअली ये जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये दोनों एक ही चीज है। हम लोग इन दोनों को एक ही मान के सॉल्व करते हैं, कोई डिफरेंस टाइप से नहीं है। देखिए, यहाँ पे स्टेप्स गिवन होता है या कोई प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे आपके एक्सरसाइज में 2nd क्वेश्चन है, वो आपका प्रूवन स्टेटमेंट है, वहां पे प्रूव करके दिखाना, वो हम लोग लेम्मा का यूज करते हैं। जब हम लोग SCF फाइंड करते हैं वहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, उसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी राइट करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्टेप्स है,
दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसको अब हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, यूक्लिड डिवीजन में, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में देते हैं हम लोग।